जम्मू काश्मीरमध्ये महापुरानं थैमान घातलं असून आतापर्यंत 160 अधिक लोकांचे त्यात बळी गेलेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज जम्मूची हवाई पाहणी करून पूरस्थितीचा आढावा घेतला. पूरग्रस्त काश्मीरसाठी 1,000 कोटी रुपयांचं पॅकेज पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जाहीर केलं आहे. तसंच जम्मू काश्मीरची पूरस्थिती ही राष्ट्रीय आपत्ती म्हणूनही त्यांनी घोषित केली आहे. महापुरात दगावलेल्या मृतांच्या नातेवाईकांना प्रत्येकी 2 लाख रुपयांची तर गंभीर जखमींना प्रत्येकी 50,000 रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याची घोषणा मोदींनी केली आहे. जम्मू काश्मीरमधील 1,000 गावांना या महापुराचा फटका बसला आहे. रेस्क्यू ऑपरेशन वेगानं सुरू आहे. पुराचा फटका बसलेल्या गावातील सुमारे 6,000 नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आले. दरम्यान पूरग्रस्तांना मेडिकल सुविधा पुरवणार असल्याचंही पंतप्रधानांनी म्हटलंय. ये पीड़ा सिर्फ जम्मू कश्मीर वासियों की नहीं, ये पीड़ा पूरे देश की है और मैं देश के अन्य राज्यों को भी आग्रह करूंगा, वे भी जम्मू कश्मीर में जो भी मदद कर सकते हैं वो अवश्य करें. जो यात्री यहां फंसे हुए हैं, क्योंकि ये टूरिस्ट प्लेस है, बाहर से लोग आए हैं, विदेश के भी लोग हैं, यहां जो रिलीफ ऑपरेशन के लिए चीजें आती हैं, जो जहाज वापस जाएंगे उसमें ये जो यात्रियों को पठानकोट तक पहुंचाना, इसके लिए मैंने आग्रह किया ताकि एक बार टूरिस्ट यहां से निकल जाए तो यहां सरकार को भी थोड़ी सुविधा रहती है अपने काम पर फोकस करने के लिए, उसकी भी व्यवस्था की है. ये मुसीबत जैसे हमारे यहां जम्मू कश्मीर में आई है, वैसा ही ये आपदा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी आई है, वहां के नागरिकों को भी फोकस जो है वो लोगों को बचाने का है. मैं लोगों को सिर्फ ये अपील करना चाहता हूँ कि वो पैनिक ना करें, वो ज़्यादा घबराए ना. मैं मानता हूँ और जानता हूँ कि हालात बहुत ही ख़राब हैं. बस वो पानी के लेवल से ऊपर रहें, ऊपर वाले कमरों में रहें. हमें बेशक 1-2 घंटा लगे, लेकिन हम उन तक ज़रूर पहुँचेंगे, उनको निकालने का काम करेंगे. जम्मू काश्मीरमध्ये 60 वर्षातील सगळ्यात मोठा पूर आला आहे. या महापुरामुळे जम्मू श्रीनगर महामार्ग बंद पडलाय. दरड कोसळल्यामुळे हा महामार्ग बंद झालाय. युद्धपातळीवर बचाव कार्य सुरू झालंय. लवकरात लवकर हा मार्ग खुला करण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न केले जात आहेत. तकरीबन 11,000 लोगों को आवाम को निकाला है जगह जगह पे और सुरक्षित जगह में लेके गए हैं. और उसके अलावा हमारे जगह जगह पे हमने मेडिकल कैंप्स वगैरह एस्टैब्लिश किया है और उससे आवाम बहुत खुश है. और साथ ही साथ हम ये भी बताना चाहते हैं, आज हमारा इंडियन एयरफोर्स ने भी अपने रिसोर्सेज को यूज किया है, जिसके तहत उन्होंने IL-76, AN-32, Mi-17 और 108 लोग जो फंसे हुए थे उनको निकाला है. यहाँ पे 2 दिन से ट्रेन में फंसे हुए हैं और इन्होंने अचानक से ये अनाउंसमेंट कर दिया है कि ट्रेन टर्मिनेट हो गई है और हमें कोई उचित जानकारी दे नहीं रहे हैं कि क्या करना है आगे. बस इन्होंने ये बोल दिया है, आप पर्सनली टैक्सी लीजिए और यहाँ से जम्मू या कटरा की ओर ट्रैवल कर लीजिए बाय रोड. और दिल्ली आया तो वहाँ पे भी कुछ अनाउंसमेंट नहीं हुआ कि नहीं होगा. यहाँ कल शाम को मतलब उन्होंने बोला कि ट्रेन कटरा तक जाएगी, हम लेके जाएंगे आपको, लेकिन सुबह यहाँ तक पूरे दिन ट्रेन अभी रुकी रही. रात भर अभी उन्होंने सीधा अनाउंसमेंट कर दिया है कि जी 24 तास रहा एक पाउल पुढ़े.